फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास और इजराइल के बीच लड़ाई जारी है। इस बीच आतंकवादी समूह हमास की ओर से बंधक बनाई गई इजरायली महिलाओं और बच्चों की रिहाई की कोशिशें भी जारी हैं। इसे लेकर अब मुस्लिम बहुल देश कतर आगे आया है। कतर मध्यस्थों ने हमास के अधिकारियों से बंधकों को आजाद करने के बारे में बातचीत की है। बता दें, हमास इनकी आजादी के बदले इजराइल की जेलों में 36 फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों को रिहा करने की मांग कर रहा है। राइटर्स ने सूत्रों के हवाले से जानकारी दी है कि कतर शनिवार रात से अमेरिका के साथ समन्वय में ये बातचीत कर रहा है, जो कि सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। हालांकि अभी तक इसमें सफलता के संकेत नहीं मिले हैं, क्योंकि दोनों पक्षों की ओर से हमले अभी भी जारी हैं। सूत्रों के मुताबिक कतर के मध्यस्थ दोहा और गाजा में हमास के अधिकारियों के संपर्क में हैं। मालूम हो कि इस आतंकवादी समूह ने शनिवार को गाजा से इजराइल पर हमला किया था। इजरायली शहरों पर अचानक अटैक किया गया था। इसमें 700 से अधिक लोग मारे गए हैं। साथ ही यहूदी देश के दर्जनों लोगों को बंधक बनाया गया है। हालांकि हमास की ओर से गाजा में कितने इजरायलियों को बंधक बनाया गया है, ये संख्या अभी भी साफ नहीं है। इजरायली जेलों में बंद 36 फिलिस्तीनियों की रिहाई का आंकड़ा पहले ही शेयर किया गया था। राइटर्स ने मामलों के जानकार के हवाले से बताया है कि कतर के अलावा मिस्र भी हमास से बातचीत कर रहा है। हालांकि दोनों के बीच लड़ाई जितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, उससे इसकी सफलता पर संदेह है। सूत्रों ने कहा है कि मिस्र उनके बीच लड़ाई को और आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास कर रहा है। साथ ही इजरायली बंधकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमास से निकट संपर्क में भी है। मिस्र ने इजरायल से भी संयम बरतने को कहा है। साथ ही उसने हमास से बंदियों को अच्छी स्थिति में रखने की अपील की है। इस बातचीत में शामिल अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि गाजा पट्टी पर इजरायली हमलों ने मध्यस्थता को मुश्किल बना दिया है। दूसरी तरफ इजरायल ने गाजा में हमले तेज कर दिए हैं। हवाई हमलों के साथ ही अब वो जमीनी लड़ाई के लिए भी तैयारी कर रहा है। इसके साथ ही गाजा की घेराबंदी भी शुरू कर दी गई है। तो वहीं गाजा में भोजन और ईंधन की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है, जिसके कारण गाजा के लोगों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया है। दरअसल गाजा अपनी बुनियादी जरूरतों की आपूर्ति के लिए काफी हद तक इजराइल पर निर्भर है। इस तरह के फैसले से घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में रहने वाले 23 लाख लोगों के लिए दूरगामी नतीजे हो सकते हैं। हमास और इजराइल के बीच छिड़े युद्ध से स्थिति बिगड़ती जा रही है और शांति के आसार अभी नजर नहीं आ रहे हैं।